अब आप खुद से सवाल करें कि फर्जी गैंग अन्नदाताओं को नए कानूनों से खेत छिन जाने का जो डर दिखा रहा है वो कितना झूठा है। फर्जी गैंग बताएगा कि भलाई के नाम पर वो किसानों को क्यों खेत में फसल उगाने तक सीमित रखना चाहता है। इसका सीधा जवाब ये है कि पीएम मोदी जिस पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति की बात कर रहे हैं वो जमीन पर उतरा तो उन बिचौलियों का धंधा बंद हो जाएगा जिनके शिकंजे में आज छोटी जोत वाले किसान फंसे। देश में 85% किसानों के पास 5 बीघे से कम जमीन है। पीएम मोदी का सपना उनकी जिंदगी बदलने का है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। प्रधानमंत्री ने जो कड़वा सच कहा है उसका जवाब कांग्रेस क्यों नहीं दे रही? दूसरी विपक्षी पार्टियों ने क्यों उस पर चुप्पी साध रखी है? जवाब है सियासत, जिसमें किसान महज वोट बैंक है। और ये सियासत कैसे की जा रही है वो भी सुन लीजिए। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून है जिनको सरकार वापस लेना चाहती, नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ। कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाता को उकसाने में लगा विपक्ष संसद में इस पर चर्चा करने से क्यों बचता है? ये सवाल पीएम 10 फरवरी को लोकसभा में उठा चुके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो दुनिया को दिखाने के लिए ट्विटर जिहाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दे रहे हैं, क्या वो देश के किसानों को बताएंगे कि 10 फरवरी को वो नए कृषि कानूनों पर बहस से क्यों भाग गए थे, क्यों लोकसभा से अपने पार्टी सांसदों के साथ वॉकआउट कर लिया था? जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा। हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते। किसान आंदोलन की आड़ में साजिश कर रहा फर्जी गैंग कैसे इस विपक्षी सियासत का मोहरा है ये असली किसान अब समझ चुके। मैंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 72 घंटे बाद मैं अपने हाईवे से निकलूंगा सीधा गाजीपुर। धरना कैसे खत्म होगा? 90 दिन खत्म इस तरीके से होगा, हम लोग तैयार हैं अब बिल्कुल छोटा लंगोटा से लाठी से रोकेंगे अब हम इन्हें। ये राकेश टिकैत कोई वो नहीं कर रहा, धरना ये तो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा। इसलिए अब दिल्ली का बॉर्डर खाली करो की आवाजें गूंजने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं इसीलिए स्टूडियो से यहां आया हूं क्योंकि जो इनका दर्द है वो लगातार मैं देख रहा हूं और इसी दर्द को मैं अपनी आवाज देने के लिए आया हूं ताकि पूरे देश में इनकी आवाज पहुंचे और सरकार तक भी इनकी आवाज पहुंचे और जो लोग हैं उन तक भी आवाज पहुंचे। सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या लग रही है अभी? ये बॉर्डर बंद है, इतनी बड़ी दिक्कत है, इतनी बड़ी ज्यादा दिक्कत की तनिप सर्प का पानी चालिया, सर्प का पानी। ये बॉर्डर खोलने चाहिए, बारे बॉर्डर खोलने चाहिए। वैसे इस डॉक्टर को सुना चाहते कति बर्बाद हो गए ना, भारी गोभी व्यक्ति ना भारी खेती में देखो जाके देखो कितना बड़ा नाश हो रहा। और इस सर्प का पानी उतर गया, प्रशासन ने 72 घंटे का टाइम दिया है और ना तो उसके बाद ना कति हजारों का काम और 360 काम दिल्ली के आका बॉर्डर और कति खाली करा देंगे, बॉर्डर खाली करा देंगे। कति सर्प का पानी चला गया और डकैतों का खेता में आग लगा दे और जो भारी जिन्हें सिंचा है उनमें यो आग लगवा हुआ है। बहुत सारी परेशानी है लोगों को, बहुत तरह की दिक्कत है चूंकि मैं देख रहा हूँ सब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और आप भी यहाँ पर है। सोल्यूशन क्या है? हमारे बॉर्डर खुलने चाहिए, यही सोल्यूशन है बस। हम पिछले 3 महीने से बंधक हैं, चारों तरफ से बंधक हैं। हमारा यातायात बंद हो गया है, हमारा व्यापार बंद हो गया है, हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गए। चचा एक हमारे साथ है, चचा हमारे साथ। आज हमारी फसल सरसों की तैयार है, ठीक है, और अभी हम आपको लेके चलते। बिल्कुल मैं चलूंगा आपके साथ। बॉर्डर के जो 7 खेत हैं उस फसल को हम काट नहीं सकते, मजदूर तो हाँ भरते ही नहीं। क्यों क्यों नहीं काट सकते फसल? शाम को पीते हैं, बढ़िया मुर्गा खाते हैं और उसमें लैटरिंग कर खाते हैं। अब जो लैटरिंग पड़ी होगी तो वहाँ कौन मजदूर काम कर देगा? हमें तो लगता है ये सरसों ऐसे ही खराब जानी है हमारी। देखिए जैसा कि यहाँ के गांव वाले किसान भाइयों से मेरी बात हुई, इनका कहना है
कि इनके जो फसलें हैं वो इसी तरीके से बर्बाद हो रही हैं, गांव के बच्चे स्कूल से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, सड़कें टूट गई हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज का राष्ट्रवाद मैं स्टूडियो से नहीं बल्कि सीधे गांव से दिखाऊंगा, ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा, बॉर्डर पर जाऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया और जिस तरीके से मैं इनके बीच आया, इनका दर्द समझा, मुझसे रहा नहीं गया। जैसे मैंने कहा कि घंटों मैंने इनके साथ बिताए, इनका दर्द सुना, इनके परिवार वालों का दर्द सुना, इनके खेतों की खस्ता हालत देखी, मेरा मन भी भर उठा है, मुझे भी परेशानी हो रही है। मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि कम से कम अपनी सियासत के लिए मेरे किसान भाइयों का नुकसान मत कीजिए।